थीना नाम नमूद अब्बास ने फरात को दरिया बना दिया। अब आपके सामने कारियल का सैर सैयद जाकरीन जाकर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब जंग किताब फरमाएंगे, उनके बाद बैरुल मसैर रिजवान अब्बास कयामत, उनके बाद जाकर सैयद इमरान अब्बास शाह साहब। अलामा अली नासिर तलहाड़ा वो भी तशरीफ ला चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी किताब फरमाएंगे। بسم الله الرحمن الرحيم الله حافظ محمد وامامي وعلي وخلفي وتفاوتي وتفاوت راسي والحسن يميني والحسين يساري حولي يساري يسار أهلي ومالي وجيراني وجداري وبرحمتك يا شلوات بلند آزرا Man,
परेशान हैं, अक्सर तो सैदन तो मिलते हैं, औलाद का ही नहीं, जिस थोड़ा है, बीमार है, परेशान है, हिस्सा मैं अपना पा ले ते जड़ जवा ढेर टाइम होया ते स्याले महिला सो मैं रात के परसा आज मैं घबरे कुरता मैं कदी कदी साल एक आध वरी एक दो वरी घबरे ना कसीदा सैयदा दी अजमत का पढ़ने ते इथे सरकार मोहम्मद मुस्तफा बेटी दे दर ते रुकदे इजाजत मंगते हैं बेटी बतूल इजाजत है मैं अंदर आवाजा तो सोना पड़ता है हबीब दा सुबहान अल्लाह ते जड़ा चंगा पढ़े मैं उन दाद देना उन दुआ करे क्योंकि मेरा दिल छोटा ही नहीं भोला गवार बहुत बड़ा कलेजा मेरा दिल लेकिन आज घर में तू घबरा नहीं तो मैं कसीदा सुनावा यानी पाक मोहम्मद बेटी के दर रुक रहे हैं एक कसीदा इतना शुरू कर रहना इजाजत की खातिर मोहम्मद खड़ा I'm
पूछा तो उस दौर सच्चे सिर्फ पांच, बाकी छुट्टी, बाकी वो सुखा था अपने तो इंजात के पैदे सच्चे जा रहे हैं। सिर्फ पांच सच्चे मुबाहला वास्ते तुरे अगे अगे पाक मोहम्मद इत्थे मौला हुसैन इत्थे मौला हसन पीछे सैयदा पीछे मौला अली पहाड़ झुक झुक के सलाम करें कत झुक झुक के सलाम पे करें पत्थर कलमा पढ़ते पेन कलमा मलाइका दरूद पे पढ़ दिन हसबी अल्लाह दिठा ईसा अलैहि दिठा ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਰੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪਾਦਰੀ ਆਖੇ ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ ਜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਖਤਮ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਭੱਜੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਜ਼ੀਆ ਲਾ ਲਓ ਜਿਜ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੁਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਸਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਤ ਆਖੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਨਾ ਕਈ ਜੋ ਜੰਮੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏ ਚੌਥੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਦਾ ਮਿਲਾਵਾ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਸਰ
ਕਰੇ ਸਾ
इतना ही पढ़ना है। पहले सारे हाशमी जवान नाल सारे जलाल च इमाम ने सबर का हुक्म दिता है। अजे तकरीबन 12 कदम दरबार का गेट रंग है जो इमाम रुक है। फरमाया मेरे पुत्र मेरे भाई मेरे भतीजे सब रुक जाओ, मैं तनहा अंदर बनी उन्ना मैं कल्ले नु छड़े। उन्ना मैं कल्ले नु छड़े है सारे लोग गए। चंद कदम इमाम ने चैन पिछू पैर दी आहट है। सैया देखे दा सरदार अब्बास नाल खुश भाई सैया परेशानी चुप दी। फरमाया जामिन वीर कमर का जोर वीर हुण सिर्फ और सिर्फ तेरी वास्ते हुक्मे तू रुक जा। अगर मेरे मिजाज के खिलाफ कई गल होई मैं नारे तकबीर बुलंद करे सा वत अकबर दी दे दी आवाज मुके नहीं ये दरवाजा उड़ा दे गया ये कोई खैबर तो वध नहीं सजे मोडे अली अकबर ने आ मोडा रुलाया जिथे गाली खड़े इमाम ने पुत्र भी दिखा फिर आप भी दिखा। अगला कदम चाह के कमरे के अंदर रखे दरबार ने ताक बुलाया एक सिपाही ने अंदरों कुंडी लाई देना खड़े कुंडी की आवाज अली अकबर सुने चाचे के पास देखा चाचा दुश्मन नियत ठीक नहीं कुंडी को लाई ने बाबा कलाए डाली चुमकिया दे घबरा नहीं आज मेरे हाथ आजाद है। इतनी मंजूरी चाहता हो गई मेरे पास भेजो या वतन छोड़े। इमाम ने फरमाया वली सुन मुझ जैसा उस जैसे की बेइज्जत नहीं कर सकता चूंकि मैं कुल्लो ना मुहम्मद शामिल हूं। कह मुहम्मद ते कह गैर दी बेइज्जत हराम नाले मिशन बहु बड़ा है। इत्थे आया कल्ला मेरे कुछ भाईवाल एक बंद पढ़ने ते दुआ दे छोड़नी मेरे कुछ भाईवाल ते मैनू रात दे वेले सजे मैं मशवरा करे सा चिट्ठे दी नूतन जवाब दे सा याद हा हुसैन मशवरा तेरा हक बन दे तू सब मन्नो। इमाम ने चार कदम चाहे दरबार च बैठे ही बेगैरत निर्वाण कह इशारा किया बोलिया नहीं इशारा किया कल्लई हुसैन कल्लई सर कलम कर ले बह चला गया ते इंदे ढेर अली जवान हो चुके। इमाम ओ हुंदा है जदों अगू कायनात च काशा छुपी हुई न हो जदों हर पासों नजर आवे इमाम
हबीब नूं हर पासों नजर आता है। इहदा इशारा दित्ता इमाम ने ते मुड़ के कुर्सी पई आई उहदे ते दोवे हथ रखे कुर्सी लोह दी आई दुश्मन दी अख च अग पाई ऐ सैयद गल कीती ऐ जिथ याद आसी जा निकल रही सी कितना मान है गाजी ते इमाम नूं मजबूर हमें